I live in Smithers and I love traveling. And if you feel the same, then you can understand how hard it is to stay at one place. I hear mountains, waterfalls, jungles calling me in my dreams. And today, when I have this opportunity to go out in the nature, I won't miss it. So let's go and explore a beautiful location around the town of Smithers. Hello everyone, namaste, this is Praveen Kashyap and welcome back to another video. So today I'm taking you to explore a hidden gem that is Twin Falls in the surrounding of the town of Smithers, British Columbia, Canada. And I have been here many times in summers, but this is my first time when I'm coming to explore this beauty in winters. So let's see how it's gonna look like. And आप देख ही सकते हो कि आसपास बहुत ज़्यादा स्नो है, फोग हो रखी है, पर ठंड ठीक है, ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, बेरेबल है. सो लेट्स गो. तो ये फॉल्स है स्मिथर्स से करीब 5 किलोमीटर के एरिया में, और यहाँ पे अच्छे से रेंज वगैरह सब कुछ है. आप किसी को फ़ोन कॉल कर सकते हो, मतलब कि इतना ज़्यादा रिमोट नहीं है, लेकिन स्टिल फिर भी लोगों को इतना ज़्यादा पता भी नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा साइड में हटके है. तो पर इट्स वर्थ विज़िट. बेसिकली यहाँ पे दो फॉल्स हैं साइड बाई साइड. जो ऊपर माउंटेन है हडसन बे माउंटेन, वहाँ पे ग्लेशियर गल्स, एक बड़ा सा बर्फ़ का ग्लेशियर है जहाँ से वो ट्विन फॉल्स बन के निकलते हैं, और बहुत मस्त व्यू है. पर गर्मियों में आपको वहाँ पे भी लेके चलेंगे, इस पहाड़ के बिल्कुल ऊपर जहाँ से फॉल्स बन के निकलते हैं. पर अभी शायद आपको हमारे चलने की आवाज़ भी आ रही होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बर्फ़ के ऊपर चल रहे हैं. सो सॉरी फॉर दैट, कुछ नहीं किया जा सकता इसका. लेट्स गो फॉरवर्ड. हाँ भाई हरसिमरन, कैसा लग रहा? ठंड ठंड लग रही है? मेरे को तो नहीं लग रही यार, इतनी तो नहीं पता है. इस बंदे को रहते हुए हो गए 6 साल. आई थिंक इट्स बीन अ व्हाइल. ठंड लगी भाई. मैं नया आया हूँ. कितने महीने हो गए तेरे को? 10 महीने हो गए ना. चलो सही है भाई. अब पीछे का देखो व्यू कितना मस्त है. अभी तो सामने का थोड़ा अगर फोग क्लियर हो जाती ना तो सामने का व्यू दिखाते हैं आपको. इतना ज़्यादा ज़बरदस्त, क्या बात है, आए हाय हाय, मज़ा ही आ जाता. चलो कोई ना, आई होप कि ये क्लियर हो जाए. लगी बर्फ पे ना, ये देखो ये पैर दस रहे अंदर की साइड, चला नहीं जा रहा लगभग
एक घंटे के बाद अब पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहां पे यूजुअली हम पार्किंग करते हैं गर्मियों के टाइम, क्योंकि अभी यहां पे गाड़ियां वगैरह आ नहीं सकती क्योंकि बर्फ़ देखिए आप, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो इसलिए आज हम चल के आए हैं यहां तक और करीब एक घंटा लग गया हमको आने में। तो चलो अभी आगे चलते हैं, जो ये रास्ता है यहाँ से अब हम आगे चलेंगे। तो फाइनली आप पहुंच गए हैं ट्विन फॉल्स व्यू पॉइंट के ऊपर, व्यू पॉइंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे बनाया गया है अच्छे से व्यू को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे आप बैठ के स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और फिलहाल वहाँ से एक फॉल निकलता है, वो जो सामने है वहाँ से एक फॉल निकलता है और एक फॉल निकलता है यहाँ से। तो ये दो फॉल्स हैं, वाटर फॉल्स, तो तभी इनको ट्विन फॉल्स बोलते हैं। और फिलहाल के लिए आई थिंक वो तो पूरा जम चुका होगा, जम तो ये भी चुका होगा बट वो तो काइंड ऑफ गायब ही हो चुका होगा। पर आप ट्राई करते हैं यहाँ से चढ़ के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे ड्रोन उड़ाएंगे, अगर अपने को कोई भी व्यू मिलता है तो इट्स बेटर फॉर अस। हमारा अटक गया ड्रोन आगे, अब कर रहे हैं हम ड्रोन रेस्क्यू। सोचा तो नहीं था इतना एडवेंचरस करेंगे पर हो गया भाई, क्या कर सकते हैं। वही देख ले कहाँ पे फंसा हुआ ड्रोन।
So guys, we are back after rescuing the drone. I think unexpected things lead to some adventures, maybe some bad experiences as well. But बहुत अच्छा लगा भाई, मजा ही आ गया आज तो. फाइनली हम पहुंच गए हैं ट्विन फॉल्स एडवेंचर करने के बाद, और वो खड़ी हमारी गाड़ी. सो गाइस, वी आर डन फॉर द डे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में. सो बाय बाय, धन्यवाद.